एक बार की बात है, एक आलसी सियार था। वो इतना आलसी था कि अपने खाने के लिए भी शिकार नहीं करता था। पूरा दिन बस सोता ही रहता था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। ये तो कई दिन से कुछ खाया भी नहीं, ऊपर से कोई शिकार, यह आज पास से भी नहीं भटका। कमजोरी के कारण शिकार करना बहुत मुश्किल है। काश कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। काश मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जंगल के सभी जानवर मुझे खुद ब खुद खाना ला कर देंगे। ये सब सिर्फ सपने में ही हो सकता है, असल जिंदगी में नहीं। तभी सियार को एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं जंगल का राजा बन जाऊं? हाँ, मुझे यही सही लगता है। और इसके लिए मुझे अपने पूरे शरीर पर शेर जैसी धारियां बनवानी पड़ेगी। और वो धारियां बनवाने के लिए मुझे जंगल से बाहर जाना होगा। चल सियार बेटा, खाने के लिए इतना तो करना ही होगा। जंगल में एक तोता थी। उसे तस्वीर बनाने का बहुत शौक था। वो जंगल के सभी जानवरों की तस्वीर बनाती थी। उसके बदले सभी जानवर उसे मूंगफली खाने को देते थे। सियार तोते के पास जाता है। गिलहरी बहन, मेरा एक काम करोगी? उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारी मूंगफली दूंगा। तुम्हें मूंगफली बहुत पसंद है ना? ये सियार एक नंबर का आलसी है। ये मुझे क्या मूंगफली देगा? खैर, वो तो बाद की बात है। इससे पहले ये तो पूछो कि काम क्या है। सियार भाई, पहले काम बताओ। ऐसे क्या काम आ गया मुझसे जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? तुम्हें मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ और नहाने के मन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कल मेरे अपने दोस्त का एक शादी में जाना है। क्या तुम मुझ पर कोई ऐसा रंग कर सकती हो जिससे कि मैं पूरा ढक जाऊं और गंदा ना दिखूं? हाँ, कर तो सकती हूँ। तुम ही बताओ कौन सा रंग करूं? तुम ऐसा करो, मेरे पूरे शरीर पर ऐसा रंग कर दो जिसे देखकर मैं बिल्कुल शेर लगूं। मतलब शेर के ऊपर जो धारियां होती है उस रंग की धारियां बना दो, बस। तोता सियार के पूरे शरीर पर रंग से बिल्कुल ऐसी धारियां बना देती है जैसे शेर के शरीर पर होती है। तुम दिखने में शेर जैसे तो दिखते, पर क्या? पर तुम बहुत दुबले पतले हो। कहाँ शेर का वो लंबा चौड़ा सीना और कहाँ तुम? अच्छा अच्छा, ज्यादा मत बोलो। ये तुम्हारे काम की ये मूंगफली, और ध्यान रखना ये बात किसी को भी मत कहना। मैं बाद में तुम्हें और मूंगफली ला कर दूंगा। इतना बोलकर सियार शेर बनकर सबसे पहले नदी के किनारे जाता है, अपने आप की नदी के पानी में परछाई देखने के लिए। मैं तो वाकई शेर जैसे दिखता हूँ बिल्कुल। और रही बात दुबले पतले की, वो सब मैं संभाल लूंगा। तभी नदी के पास एक भालू पानी पीने आता है। पानी पीते हुए उसकी नजर सियार पर जाती है। राजा जी, आप यहाँ? अगर आपको मेरे साथ कुछ काम है तो किसी को बेच के बुलवा लिया होता वही। पर राजा, आप कुछ कमजोर ही दिख रहे हैं। इतना काम होता है पूरे जंगल के जानवरों के समस्या को लेकर, इसलिए खाने पीना का ध्यान ही नहीं रहता। मुझे बहुत भूख लगी थी,
इसीलिए खाने की तलाश में यहाँ आया था। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है। मैं तो बस नदी से मछली पकड़ कर ही आपको दे सकता हूँ। मछली? मछली का नाम सुनते ही मुंह से पानी आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे मछली ही खिला दो। फिर क्या था, बालू नदी से मछली पकड़ पकड़ कर सियार को देता जा रहा था और सियार जल्दी जल्दी चट करता जा रहा था। पेट भरने के बाद सियार वहाँ से आगे चला जाता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिलते हैं। सियार सभी के घर जाकर खूब खाता है। खा खा कर आखिर वो बहुत मोटा हो जाता है। अब वो बिल्कुल शेर की तरह ही दिखने लगा। एक दिन सियार खरगोश के घर से खाना खाकर बाहर निकला ही था कि तभी जोरों से बारिश होने लगी। सियार के ऊपर लगा रंग बारिश के पानी से सारा हट गया। उसे असली रूप में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये तो पता था कि ये सियार आलसी है, पर ये इतना आलसी निकलेगा ये नहीं पता था। चलो इसे पकड़कर राजा जी के पास ले चले, अब वो ही इसे सजा देंगे। जंगल के राजा सियार को सभी के घरों की साफ सफाई का काम करने की सजा सुनाती है। मगनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक काले रंग की बिल्ली रहती थी जो कि बहुत ही बुखड़ और लालची थी। वे गांव वालों को बहुत ही परेशान किया करती थी। एक बार की बात है, एक दिन बिल्ली को बहुत भूख लगती है तो वो दबे पाव से एक घर के अंदर जाती है और घर के अंदर दूध रखा देखकर बिल्ली बोलती है कि अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरे मजे ही आ गए। आज तो दूध से पूरा का पूरा पतीला भरा हुआ है। इसे मैं अभी चुटकी में खत्म कर दूंगी। बिल्ली जरा सी देर में पूरी पतीला दूध पी जाती है, मगर फिर भी बिल्ली का पेट नहीं भरता। तभी उसे दूध की जबरदस्त खुशबू आने लगती है। ये दूध की खुशबू तो सामने के घर से आ रही, पर मुझे बड़े ही ध्यान से जाना होगा, वो भी बिल्कुल छुपके छुपके से, ताकि किसी की मुझ पर नजर ना पड़े। ऐसे बोलकर बिल्ली एक एक करके गांव के बहुत सारे घरों से दूध पी जाती है। बिल्ली की इस हरकत से गांव के लोग बहुत परेशान थे। तभी गांव में रहने वाला भीमा गांव के लोगों को इकट्ठा करके सभी से ऐसा बोलता है, अरे भाइयों, इस काली बिल्ली ने तो हम गांव वालों को बहुत ही ज्यादा दुखी कर रखा है। अरे रोज रोज हमारे घर का दूध पी जाती है। अरे भाइयों, अब तो उस बिल्ली को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी गांव में रहने वाली एक औरत मीना बोलती है कि अरे ये कमबख्त बिल्ली आती भी तो इतने चुपके से है कि किसी को जरा भनक भी नहीं होती। अरे पहले तो कभी कभी हमारे घरों का दूध पीती थी, मगर अब घरों से दूध पीना उसका रोज का काम हो गया है। जिस भी जगह दूध छुपा कर रखो, फिर भी वो काली बिल्ली हमारे घरों से दूध ढूंढ कर पी जाती है। सही बोल रही हो मीना बहन, मगर क्या करेगी, वो बिल्ली हमारे घरों का दूध पीना बंद कर दे। उसे पकड़ने का भी बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर वो बिल्ली इतनी चालाक है कि हर बार हम लोगों के हाथ से बच जाती है। तभी गांव का एक और आदमी महेश बोलता है कि बीमा भाई, वो बिल्ली ऐसे हमारे हाथ लगने वाली नहीं है। उस बिल्ली को पकड़ने के लिए
हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम उस बिल्ली को पकड़ सकते हैं या भगा सकते हैं। फिर तो महेश भाई, हम लोगों को गोपाल चाचा के पास जाना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में एक वही है जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है। फिर सभी गांव वाले गोपाल चाचा के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये बिल्ली तो बहुत ही बुक्कट और लालची लगती है, जो रोज रोज सभी के घरों का दूध पी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद गोपाल चाचा बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगा, और देखना फिर वो बिल्ली इस गांव से कैसे भागती है। अगले दिन गोपाल चाचा गर्मा गर्म दूध को एक मटके के अंदर भरकर उसे घर के अंदर टांग देते हैं। तभी बिल्ली को दूध की खुशबू आती है। अरे, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं किसी के घर का दूध नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, जरा देखूं तो ये मजेदार दूध की खुशबू कहाँ से आ रही। बिल्ली गोपाल चाचा के घर में घुसती है और यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे दूध कहीं दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, दूध की खुशबू तो इसी घर के अंदर से आ रही है। तभी बिल्ली की नजर ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ती है। अच्छा, तो ये खुशबू यहाँ से आ रही है। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि ये दूध को मटकी में ऊपर टांग कर रखेंगे तो मैं दूध नहीं पी पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर बिल्ली दूध पीने के लालच में मटकी की ओर छलांग लगाने लगती है, और बहुत कोशिश करने के बाद बिल्ली मटकी को पकड़ लेता है। मगर जैसे ही बिल्ली गर्मा गर्म दूध की मटकी को पकड़ती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, और गर्मा गर्म दूध की मटकी बिल्ली के साथ नीचे गिर पड़ती है, और सारा गर्म दूध उस काली बिल्ली के ऊपर जा गिरती है। इसलिए बिल्ली जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, आज दूध पीने के लालच ने तो मुझे जला ही दिया। आज के बाद मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। और ऐसा बोलकर बिल्ली वहाँ से भाग जाती है, और इस तरह से गांव के लोगों को उस बिल्ली से छुटकारा मिल जाता है।